हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक और नई रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम के फ्रिटर्स, शिमला मिर्ची के पकोड़े बनाने जा रहे हैं। इसे बनाने के लिए हमको लगेगा बेसन। हमने एक बाउल बेसन ले लिया है और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लगेगा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगेगा, पानी लगेगा हमको, थोड़ा सा मीठा सोडा लगेगा और सॉल्ट लगेगा। हमने अक्खी शिमला मिर्ची ले ली है, एकदम छोटी साइज़ की 3, और मैंगो लगेगा जो हम लेटर गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अमचूर पाउडर लगेगा, चाट मसाला हम गार्निश के लिए यूज़ कर लेंगे, चीज़ हम अगेन गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अपने प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, एक बोल में हम बेसन ले लेंगे ग्राम फ्लोर, इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, सॉल्ट डालेंगे हम, एकदम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डाल रहे हैं। सो गाइज, हमने बेसन का जो डिप है वो एकदम रेडी कर दिया है, उसमें हम शिमला मिर्ची को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। एक तरफ हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, शिमला मिर्ची को हम अच्छे से बेसन में कवर करके जो हमने गरम ऑयल रखा है उसमें उतार देंगे। किया था इसको, हमने थोड़ा लाइट कोट ही रखा था। अब हम इसको निकाल रहे हैं। सो गाइस, जो पकौड़े हमने बनाए थे उसको अब हम हाफ कट कर देंगे। अब देख रहे हैं कि एकदम सारे बीज निकाल दिए थे। अब हम इसको वापस से बेसन में डिप करेंगे अंदर और बाहर से, और फिर एक बार फ्राई करेंगे ताकि हमारे पकौड़े एकदम खाने के लिए रेडी हो जाए।
हमारे शिमला मिर्ची के पकौड़े एकदम रेडी है। इसको हम चाट की तरह सर्व करेंगे, जिसके लिए हमने थोड़ी सी कैरी बारीक कटी हुई ले ली है, थोड़ा टमाटर ले लिया है, और लेंगे हम चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और नमक लेकर के, एंड में हम उस पर चीज से गार्निश करेंगे ताकि वो एकदम टेस्टी और यमी बन जाए। चलिए हम अपनी गार्निशिंग और सर्विंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, गर्मा गर्म शिमला मिर्ची के पकौड़े हमने एकदम गार्निश कर दिए हैं, सर्व कर दिए हैं। आप भी चाय के साथ खाइए, चाय के बगैर खाइए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए ताकि हम आपके लिए और रेसिपीज ला सकें। एंजॉय।